सर, आज इधरी में पहुंचे हैं बाढ़ ग्रस्त इलाके में, क्या सिचुएशन है और लोगों की क्या पीड़ा है? देखिए अभी यहाँ बुजुर्गों से बात भी कर रहे थे और जिस रास्ते से आए हैं, ज्यादातर गांव में अब रास्ते टूटने शुरू हो गए हैं, सड़क मार्ग बचा नहीं है, लोगों के पास आवाजाही का तरीका कोई बचा नहीं है, कोई मदद पहुंचाने का जरिया भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब ये मुश्किल समय और सरकार को आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी अपने सब कार्यकर्ताओं को पूरे हरियाणा में ये कहा है, जो जैसे जहां पे भी मदद कर सके, किसी भी मजबूर व्यक्ति की, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की, उसको वहां पूरी ताकत से मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आपदा प्रबंधन का करीब करीब 1100 करोड़ रुपए बिना खर्च किए हुए पड़ा है सरकार के पास। यहां भी मुझे पता चला, यहां पे भी कारण जो पानी आया गांव में, कम से कम 15 से 18 गांव यहां प्रभावित हैं, उनमें पानी आने का जो मेन कारण है वो किनारा यमुना का टूट गया। दो जगह से बताया कि यमुना का किनारा टूट गया। वो किनारों को मजबूत करने के लिए हर साल मॉनसून से पहले एक पूरा मिशन चलना चाहिए, उसके लिए पैसा मिलता है, सरकार के पास बजट होता है उसके लिए। उन किनारों को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया गया। अगर सरकार स्ट्रेटेजिकली कहीं से नुकसान को कम करने के लिए कहीं से अगर उसमें रिसाव या तोड़ती है कहीं से किनारा, तो उसके लिए पहले प्रबंध किया जाता है कि गांव के चारों तरफ आर्टिफिशियल बंधा बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए, ताकि घरों में नुकसान ना हो, घरों तक पानी ना पहुंच पाए, बाहर बाहर निकल जाए। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि आप देखिए, घरों में, दुकानों में, मेरे ठीक पीछे ये आपको पानी भरा हुआ दिख जाएगा। कहीं कोई भी प्रिपरेशन का इंतजाम नहीं था। आपदा प्रबंधन का विभाग है, सैकड़ों कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन आपदा के आने से पहले कोई प्रबंध नहीं किया गया। और अभी भी ना मंत्री ना विधायक कोई जमीन पे लोगों के दुख दर्द जानने के लिए भी नहीं पहुंच रहा। जनप्रतिनिधि का काम क्या है? सबसे पहले आप जनता के बीच में जाके उनका दर्द तो जानो कि वो चाहते क्या है, तभी तो उनकी समस्याएं पूरी करोगे। यहां भी पूछा तो वही जवाब मिला, जिला प्रशासन से कोई अभी तक इस गांव में आया ही नहीं। जब हम आ सकते हैं, जब समाज सेवी एनजीओ आ सकते हैं, जब खाना पहुंचाने के लिए समाज के समर्थ साथी आ सकते हैं, तो फिर सरकार के, जिला के अधिकारी क्यों नहीं आ सकते इन जगहों पे? उनको आके गांव के लोगों से पूछना चाहिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तभी मदद कर पाएंगे। और एक हमने पहले दिन ही जब ये पानी चढ़ना शुरू हुआ, हमने ये मांग की थी कि जीरी खत्म हो गई किसानों की पूरी तरह से। ये फसल मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा लगेगी भी, क्योंकि प्यौध की भी कमी पड़ जाएगी और पानी इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं जिस स्तर पे पानी चढ़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये सीजन किसान का वेस्ट जाएगा, तो सरकार को इसके लिए तुरंत मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। कम से कम व्यक्ति को, उसको फसल नहीं दे सकते हम दोबारा से, लेकिन व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। फाइनेंशियली किसान कर्जा उठा उठा के अपनी फसल लगाता है, अगर उसको ये संतुष्टि हो कि मुआवजा मिलेगा, तो कम से कम मानसिक रूप से कोई व्यक्ति शांत रह सकता है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, सरकार से रिक्वेस्ट है और मांग भी है कि तुरंत प्रभाव से जिनके घरों को नुकसान हुआ, जिनके खेतों में पानी भर गया, उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। जो पीड़ित परिवार हैं, कई लोगों को चोट लगी है, कईयों के मकान ध्वस्त हो गए, कई जिंदगियां चली गई, उन सभी के लिए भी उचित मुआवजे का बंदोबस्त सरकार को तुरंत करना चाहिए।